हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल उमेश गुरु ट्यूटोरियल में। आज की इस वीडियो के जरिए मैं आपको फेसबुक का जो पेआउट का मेथड है उसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो फेसबुक का जो पेआउट होता है, अगर आप इनस्ट्रीम एड पे वर्क करते हैं तो फेसबुक का पेआउट से रिलेटेड जितने भी आपके पास क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इस वीडियो को देखने के बाद आपके सॉल्व होने वाले हैं। और फेसबुक का जो पेआउट होता है एड्स के लिए वो पेआउट अलग होता है, इनस्ट्रीम एड के लिए वो अलग होता है। एक पेआउट होता है जो आप एडवर्टाइजमेंट के लिए आप पे करते हैं फेसबुक को, और एक पेआउट ऐसा होता है कि आपको पे किया जाता है फेसबुक की तरफ से जब आप इनस्ट्रीम एड पे वर्क करते हैं। तो इस वीडियो को अभी से एक लाइक करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको तमाम जानकारी जो फेसबुक की तरफ से दिया हुआ है और जो जेन्युइन जानकारी है मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो इस वीडियो को अभी से एक लाइक करें, और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और एक शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे पेज को भी जरूर फॉलो करें। तो चलिए बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने जो फेसबुक का ऑफिशियल साइट है उसे मैंने यहाँ पे देखेंगे तो ओपन कर लिया है। यहाँ पे जो हाउ टू मेक मनी फ्रॉम कंटेंट ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, इसके बारे में पेआउट के बारे में कंप्लीट ये जो है फेसबुक की तरफ से आर्टिकल दिया हुआ है। इस आर्टिकल को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको तमाम जानकारी जो है यहीं से आपको मिल जाएगा। और मैं साथ ही वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपको कौन सा पेआउट रखना चाहिए, कितने पेआउट आप रख सकते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना होगा, उसके बाद ही मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो आर्टिकल है इसको आप अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में भी जो है इसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखें कि नंबर वन में ही यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया है योर लीगल नेम एड्रेस फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस, ये आपका लीगल होना चाहिए। यानी कि अगर आप कोई फेक अकाउंट से ऐसा करते हैं पेआउट बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका पेआउट यानी कि पे फेसबुक की तरफ से आएगा ही नहीं। आपके कितना भी अर्निंग हो जाए लेकिन फेसबुक की तरफ से पे नहीं किया जाएगा। इसलिए यहाँ पे सबसे जो ज़रूरी बातें हैं कि आपका लीगल नाम होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड से मैच खाती हो, आपके एड्रेस भी लीगल होना चाहिए, फ़ोन नंबर भी लीगल होना चाहिए, साथ ही ईमेल एड्रेस भी लीगल होना चाहिए। तो इस बात से क्लियर हो जाता है कि आप जो है फेक अकाउंट से पेआउट को नहीं बना सकते। आपका लीगल अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह, नेम वगैरह सब कुछ सेम होना चाहिए, आपके आधार कार्ड से मैच खाना चाहिए। अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो आधार कार्ड से मैच खाना चाहिए। और आइडेंटिटी कार्ड जो होता है, जिस भी कंट्री, अगर आप अलग कंट्री से बांग्लादेश पाकिस्तान वगैरह से देख रहे हैं तो वो भी आपका जो है लीगल होना चाहिए। और मेथड कितना अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो मेथड देखें कि आप अपना बैंक अकाउंट को भी लगा सकते हैं और पेपॉल अकाउंट को भी लगा सकते हैं। पेपॉल को अगर आप नहीं जानते हैं तो पेपॉल के बारे में थोड़ा बता दूं कि पेपॉल जो है एलन मस्क के द्वारा जो है शुरू किया गया था इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र के लिए। जैसे इंडिया में पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे वगैरह होता है, ठीक इसी तरह से पेपॉल जो होता है इंटरनेशनल लेवल से पेमेंट को सेंड किया जाता है या रिसीव किया जाता है। तो फेसबुक जो है पेपॉल को भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे अगर तीन नंबर में देखोगे तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्लियर किया है योर बैंक और पेपॉल अकाउंट इन्फॉर्मेशन। इसमें अगर पढ़ोगे टू लिंक अ बैंक अकाउंट यू विल नीड टू वेरीफाई द बैंक्स कंट्री और शॉर्ट कोड द अकाउंट नंबर एंड द नेम अकाउंट होल्डर टू लिंक पेपॉल अकाउंट। यानी कि पेपॉल अकाउंट भी अगर आप बनाते हैं तो वहाँ पर भी आपको लीगल नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ लीगल होना चाहिए। ईमेल एड्रेस में भी वही नाम होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड में है, फेसबुक में है, सबका नाम वगैरह सेम होना चाहिए। उसके बाद आता है IRS, जो कि जहां आप पेज को जब मोनेटाइज करते हैं तो आपको एक टैक्स फॉर्म भरना होता है W-9 नाम से, जो वो फॉर्म होता है जब आप पेज को अप्लाई करते हैं, चाहे वो स्टार से हो चाहे इनस्ट्रीमेट से हो, तो W-9 फॉर्म को आपको भरना होता है। W-8 को भी कहीं कहीं भरा जा सकता है, अगर आप जो है जो जिस हिसाब से आपका कंट्री होता है उसी हिसाब से यहाँ पे आपको W-8 W-9 फॉर्म, जो ये टैक्स वाला है तो IRS का सिस्टम जो होता है इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, तो टैक्स के लिए आपको IRS फॉर्म भरना होता है। तो इसमें एक बात क्लियर हो गई कि देखें कि आप जो है बैंक अकाउंट को भी लगा सकते हैं, साथ ही आप अपने पेपॉल अकाउंट को भी लगा सकते हैं। यहाँ पे इस आर्टिकल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ से इस आर्टिकल को आप हिंदी हो जिस भी भाषा में पढ़ना चाहते हैं उस भाषा में इस आर्टिकल को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ये अगर देखेंगे तो ये फेसबुक मेटा की तरफ से आर्टिकल जारी किया गया है। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको सारा डॉट्स पेआउट को लेकर जितना भी डॉट्स है सभी डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। अपने लैंग्वेज में आप इसे पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज को चेंज करने के लिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे सबसे नीचे मोर लैंग्वेजेस दिया गया है, यहाँ पर आप जो है मोर लैंग्वेजेज में क्लिक करके इसको लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद तो आप समझ ही जाएंगे। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वहां से आप इसे पढ़ सकते हैं। उससे पहले जो है डिस्क्रिप्शन में विजिट करने से पहले मेरा जो ओपिनियन है उसे आप जरूर सुने। देखिए कि अगर आप फेसबुक पे लॉन्ग टर्म तक वर्क करना चाहते हैं तो आप अगर मान लीजिए कि आपने ऑलरेडी किसी अकाउंट में अपना पे आउट अकाउंट को डाल रखा है जहाँ पर आपका नाम लीगल है, सब कुछ डेट ऑफ बर्थ वगैरह लीगल है, आपने उसमें बैंक अकाउंट को लगा दिया है, तो क्या करें कि उसी अकाउंट को आपको सिक्योर कर लेना है। उसी अकाउंट में टू स्टेप वेरिफिकेशन सब वगैरह करके उस अकाउंट को सिक्योर कर लेना है। वो अकाउंट आपका जाना नहीं चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा वही। अगर वो अकाउंट चला जाता है तो अगर आपके पास दो बैंक अकाउंट है, तीन बैंक अकाउंट है, तो आप जो है तीन पे आउट भी रख सकते हैं, क्योंकि आपको बैंक अगर आप अलग डालते हैं अलग अलग फेसबुक अकाउंट में तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि देखें कि मान लीजिए कि आप एक फेसबुक अकाउंट में SBI का बैंक डाल दिया और सेम बैंक तो आपका सेम रहेगा, अकाउंट सेम रहेगा, और वही अकाउंट अगर आप दूसरे फेसबुक अकाउंट में डालेंगे तो इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए आपको जो है एक ही बैंक अकाउंट को यूज करना है, एक ही ID को यूज करना है। मैं हर वीडियो में बार बार बोलता हूँ आप लोगों से कि आप जिसका पे आउट अकाउंट से आपको वर्क नहीं करना है, पे आउट अकाउंट से आपको कॉपी पेस्टेड वर्क तो नहीं ही करना है। अगर आप लीगल वर्क करते हैं, अपना खुद का सेल्फ कंटेंट बनाते हैं मेरी तरह, और आगे बढ़ना चाहते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी आगे बढ़ना चाहते हैं, सेल्फ कंटेंट बनाते हैं, चाहे वो रिएक्शन से रिलेटेड हो, चाहे आपका खुद का कंटेंट हो, कुछ भी आपका जो भी निश हो, अगर आप सेल्फ कंटेंट बनाते हैं तो आप अपना अकाउंट से भी वर्क कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ कंटेंट नहीं बनाते हैं, कॉपीराइटेड कंटेंट पे वर्क करते हैं, तो इस केस में क्या करें कि आप एक पे आउट अकाउंट जो आपका फेसबुक अकाउंट है उससे आपको वीडियो अपलोड वगैरह नहीं करना है, ना ही शेयर वगैरह कुछ। तो अपलोडिंग वाला ID से तो शेयर वगैरह करना ही नहीं है, लाइक वगैरह भी नहीं करना है। ज़्यादा सेफ रखने के लिए उसको आप ज़्यादातर यूज ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक पेज में आप तीन एडमिन लगाए, एक पे आउट एडमिन लगाए, उससे आपको कुछ भी नहीं करना है, दूसरा तीसरा से आपको वर्क करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने ऑलरेडी पे आउट अकाउंट लगा लिया होगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि अगर आप लोग इंस्ट्रीम एड के फील्ड में है तो आप लोगों को जो है स्टार से बड़ी जल्दी मोनेटाइज हो जाता है और आप लोग जल्दी जल्दी में पे आउट लगा ही देते हैं, तो आपको उसी अकाउंट को सिक्योर करना है। देखिए इस वीडियो में मैं आपको पे आउट कैसे सेटअप करना है वो नहीं बताने वाला था, बस मेरा आपको कहना था कि किस तरह के जो है आपको किस तरह से आप अपना पे आउट अकाउंट को सेफ रखेंगे, सिक्योर रखेंगे, और कैसा आपका पे आउट अकाउंट होना चाहिए, कौन कौन से आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करने के लिए मैं ये वीडियो बनाया था। अब पे आउट अकाउंट कैसे सेटअप करना है वो वीडियो अगर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको पे आउट अकाउंट को कैसे सेटअप करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन विजिट करके इस आर्टिकल को एक बार जरूर अपने लैंग्वेज में पढ़ ले, क्योंकि इस आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को अभी तक यहाँ तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए